और यहाँ देखिए संधि मिलन चल रहा है। यह जो पल होता है ना, यह काफी भावुक होता है। इस समय आप देखेंगे वहाँ जो भी मौजूद रहते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सारे दोस्त, सभी भावुक हो जाते हैं। इस समय सभी की आंखों में आपको आंसू दिखेगा। नहीं देखिए, हम आप शादी है हमारे घर में, हमको चिट्ठी पत्री देखने का फुर्सत है, चीज बताइए। ये थे हमारे बिहारी भैया जो गुस्सा रहे थे काफी, और वह क्यों गुस्सा रहे थे वीडियो को आगे तक देखते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा वो क्यों गुस्सा रहे थे। फिलहाल देखिए, तब तक हमारे गांव में यह भोज चल रहा है और हमारे भोज में मीट मछली नहीं हो तो फिर माना ही नहीं जाता है कि भोज हुआ है। तो देख ही रहे हैं, सब एकदम मजे से खा रहे हैं। और ये सभी जो है मेरी मम्मी के स्टाफ है, तो मेरी माँ कही थी यहाँ पर आ जाओ, इन सबको भी वीडियो में ले लो, इन सबको भी ब्लॉग में दिखाओ, तो हम आ गए। तो ये देखिए हमारी माँ है जो कुछ देर के लिए आपको दिखी होंगी, फिर आगे आपको दिखेंगी। तो माँ मुझे लेके चली गई थी गांव के प्रमुख साहब के पास। नमस्ते जी। फिर जी हम निकल ली अपने बिहारी भैया के साथ जनवासा की तरफ। अजी, इनका नाम बिहारी भैया क्यों पड़ा है या तो हमें भी नहीं पता। वैसे इनका नाम है हर्षवर्धन राय, ये हमारे बड़े पापा के लड़के हैं। तो हम चल दिए जनवासा की तरफ। जी वही जनवासा, वही सरकारी स्कूल। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। और ये जो है एक स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो इनको अचानक से जो है कॉल आ गया कि आपकी कोई चिट्ठी आई है। नहीं देखिए, हम आप शादी है हमारे घर में, हमको चिट्ठी पत्री देखने का फुर्सत है, इसलिए बताइए। अब हम 15 से पहले फ्री में हम। शिक्षा विभाग में काम कर रहे लोगों की हालत को मैं समझ सकता हूँ जी। मेरी माँ भी शिक्षा विभाग में है बिहार सरकार के, तो उनको भी इसी तरह से कभी भी कॉल आ जाता है और कभी कभी अचानक से मजिस्ट्रेट ड्यूटी लग जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ। और बिहारी भैया सोचे थे कि हम आराम से छुट्टी लगा करके आए हैं, शादी में करेंगे काम, लेकिन बीच में ही इतने कॉल आ रहे थे, इनको तो बेचारे परेशान हो गए। तो जी रहने दीजिए इस बात को, और हम लोग पहुँच गए जनवासा। यहाँ पर सभी पहुँच गए हैं और बारात का इंतजार कर रहे हैं। और क्या है फिर अभी, क्या अभी नाश्ता वास्ता दिया नाश्ता सबका है। पहले ही भाई से हमारी मुलाकात है, इतने दिन बाद हम लोग मिले। अच्छा, बड़ा सौभाग्य, आते आते हमको खोजे हैं। दे तू भारत मिलाप धा रहल छे, करोना का समय है, दो बजे आगे दे पीछे नहीं। और जी यहाँ बारात का आगमन हो गया है हमारे दरवाजे पर, और यहाँ देखिए संधि मिलन चल रहा है।
मौसा जी को नहीं देखेगा तुम लोग, नहीं देखेगा, अरे मत गिरो, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। उवाजा एकां दण्डवरस्यामा हृदयस्था जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः। जी, दूल्हे और दुल्हनिया दोनों पहुंच गए मंच पर, और वहां पर जो इतने सारे कैमरे थे, इतने सारे मोबाइल थे और इतनी भीड़ थी वहां पर, उसमें से कुछ जगह निकाल करके अपने ब्लॉग के लिए कुछ वीडियो शूट किया है जी। तो जी, देखा आपने, देशभक्ति के इस नारे के साथ जयमाल संपन्न हुआ। वहाँ स्टेज के पास खड़े रहते रहते मुझे प्यास लग गई थी, तो मैं जा रहा था तो बीच रास्ते में मुझे दिख गए ये लोग, और देखा कि अभी भी ये लोग अपनी ही दुनिया में मस्त है, कोई मतलब नहीं क्या शादी क्या विवाह। फिर जी, हमारे दूल्हे राजा आ गए मंडप के पास और हो गए विराजमान, और शुरू हो गया परछन, जिस परछन को हमें पता नहीं था कि परछन बोला जाता है, हम इसको गाल से काई बोलते थे। हमारा आप जब पहला वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, जो हम शादी की कहानी की एक सीरीज चला रहे थे अपनी, तो हम कह रहे थे कि हमारी गाल से काई हो रही थी। जी, वो गाल से काई नहीं हो रही थी, वही यह परछन हो रहा था, जो पान के पत्ते से गाल को सेका जा रहा है, और साथ में बाकी क्या क्या चीज किया जा रहा है आप खुद देख लीजिए। दही लगाने में बहुत कमजोर है, हमारी बहन लगा दे रही है, नन्ही मुन्नी लकड़ी। नहीं, उनका सबसे ज्यादा जरूरी है लेना। चलो नहीं है ऐसे देते हैं, हमने लेते हैं, देते हैं। मिलिए हमारे एक और जीजा जी से, जिनकी सभी को ही मिलकर टांग खींच रहे हैं। यहाँ मेरा भाई नवनीत और शिवम, वो उनको गिफ्ट दे रहा है, वो मंडप से फूल उतार करके उनको दे रहे हैं, वो करें नहीं, हम फ्री का चीज़ कुछ नहीं लेते हैं जी। शादी की आपको एक और रस्म दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साली साहब जो है अपने जीजा जी के गले में तौलिए बांध कर उसको घिसते रहते हैं और मंडप के चारों ओर घुमाते हैं। सब मंगल है।
फिर ये सारी परिक्रमा पूरी होने के बाद हमारे दूल्हे साहब आ गए मंडप के अंदर और हो गए विराजमान आसन पर। दूल्हे राजा के आने के बाद हमारे बड़े पापा भी आ गए। इस शादी में मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी यही कन्या दान कर रहे हैं। और अब मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए दिखाता हूँ आगे का कन्यादान का प्रोसेस। फिर जी बैठ गए हम लोग खाने के लिए, और जब हम लोग खाने के लिए बैठे थे तब तक घर के सभी लोग खा चुके थे। उधर देखिए हमारी रोली को, वो भी खा रही है भोज। रोली के लिए स्पेशल थाली लगा हुआ है और साथ में एक असिस्टेंट भी रखी है। और जी यह जो आप देख रहे हैं यह कन्यादान का आखिरी चरण है। जी शादी की एक और रस्म देख लीजिए। इस रस्म का नाम है लावा फेरी। जी इसमें क्या होता है, फेरा लगाते लगाते धान का लावा को छींटा जाता है। यहाँ पर जो है भाई बहन के और अपने जीजाजी के हाथ में देख रहे हैं, वो लावा दे रहे हैं और उसी को छींटा जा रहा है। फिर जी शुरू होती है मांग भराई की रस्म। यहाँ पर जो दूल्हे राजा हाथ में सिंदूर लिए हुए हैं जो हमारी बहन की मांग में डालेंगे। और जी यह जो पल होता है ना, यह काफी भावुक होता है। इस समय आप देखेंगे वहाँ जो भी मौजूद रहते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सारे दोस्त, सभी भावुक हो जाते हैं इस समय। सभी को आंखों में आपको आंसू दिखेगा। और जी शादी की यह जो रस्म है पूरी रात तक चलती रहती है। हो सकता है आपके साइड भी ऐसा ही हो, हम आपको अपने बिहार के बारे में बता रहे हैं। और जी यहाँ पे सारी लेडीज भी लड़की की मांग भर रही है। जो भी सुहागन होती है इसे कहा जाता है कि पति की लंबी आयु होती है। जो भी मिथिलांचल से होंगे वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेडीज क्या कर रही हैं जी। और जिनको समझ में नहीं आया उनको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है लोकगीत के जरिए जो भी ससुराल पक्ष के हैं उनको अच्छे से गाली दी जाती है, उनकी गाली से खातिरदारी की जाती है। तो अब जो हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग को यह ब्लॉग। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और जी वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।